टामी, 6 महीने हो चुके हैं टामी। तो मैं अभी तैयार नहीं हूं, आई एम सॉरी। और क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है या? फिलहाल ये बात मत करो प्लीज। टामी यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम कहना चाहते हो तुम छोड़ दोगे मुझे? नहीं 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 नहीं, मतलब प्यार का इजहार करने का ये भी तो एक तरीका ही है ना। क्या कहा? मतलब रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये रस्म जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब है इससे ही हमारा रिश्ता अगले लेवल पर जाएगा, वरना अधूरा रह जाएगा, यही कहना चाहते हो ना? बोलो। हाँ समझ लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारे प्यार में मजबूती आएगी। रुको, ये बड़ी आम सी बात है, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली, समझ रही हूँ ना? क्या तुमने कभी अपने लाइफ में किसी लड़की के साथ रात गुजारी है? हाँ। कई बार ना? बिल्कुल भी नहीं, प्यार होने के लिए एक रात काफी नहीं होती है। तो रुको रुको रुको, तुमने उनके साथ रात गुजारी और अब तुम्हारा कहना है कि ऐसा करने से हम उसे और चाहने लगते हैं? तो ये बात है, तुम क्या कहना चाह रही हो मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो वही कह रही हूँ जो तुम कह रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो? देखो प्यार से तुम्हें समझाता हूँ, जब दो लोग प्यार करते हैं जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो प्यार का घड़ा भरता है और इसलिए वो इसी तरह अच्छा लगता है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना? हाँ टैमी। मुझसे पहले भी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना, उसके साथ भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था ना? हाँ। फिर भी ब्रेकअप हो गया? हाँ बिल्कुल, वरना आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होता। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता आखिर कैसे टूट गया? अब इसकी कोई गारंटी कैसे दे सकता है? हम अपने रिश्ते को 100% देते हैं, पर अब वो कितनी देर टिकता है ये तो किस्मत पे ही है ना। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। पर फिर भी वो एक लेवल पर पहुंच गया था, सही कहा ना? जबरदस्त लेवल पे। प्यार किए या फिर कुछ और? दोनों के। ऐसे कैसे हो सकता है, किसी एक में तो कमी हुई होगी। अगर दोनों चीजें होती तो आज मेरी जगह पे वो होती, मैं नहीं। देखो ऐसा है ना, कभी कभी प्यार का एहसास कमाल का होता है, कभी कभी साथ में बिताई रात कमाल की होती है। तो अगर उन दोनों में से कुछ भी ना हो तो हमारे रिश्ते में दोनों ही कमाल के होंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था, डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात करो। यार तुम्हें किस तरह समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का रिश्ता कभी भी कमाल का नहीं हुआ क्या? एक बार हुए थे। बस एक बार? हाँ एक बार ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? झगड़े होते थे, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती थी, हर बात पे मुंह फुला लेती थी, और एक दिन ऐसा आया जब हमें पता चला प्यार खत्म हो चुका है। ये जानने के लिए कि हम प्यार और बेड पर कितने अच्छे हैं, हमें वो करना ही होगा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं। ए, तुम तो इसको सौदेबाजी बना रही हो, एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये क्या मजाक है टैमी? देखो संजू, तुम सच में अच्छे लड़के हो, पर मैं बस प्लीज। संजू तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये ब्रेकअप के भाषण बहुत सुन चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ,
पर इस वक्त मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बता दो कितना वक्त चाहिए? एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, तुम बोलो तो मैं अलार्म लगा देता हूँ। I'm sorry, Tammy. मुझसे ये सब नहीं होगा। मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही? नहीं, ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। हम दोनों साथ रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, पर जितना हक मुझे मिलना चाहिए उतना तुम मुझे दे नहीं रही हो टैमी। तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी कि तुम्हारे दोस्त तुमसे क्या कहेंगे? क्या? और तुम क्या कहोगे? 6 महीने से तुम टैमी के साथ में हो और अब तक तुम कुछ कर नहीं पाए, इसी बात की फिक्र है ना? अच्छा, तुम ही सोच के बताओ, कौन हो तुम? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? तो इसमें हर्ज क्या है? टैमी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हारी समझ से भी बाहर हो गई हूँ। मुझे लगा था हमारे बीच गहरा रिश्ता है। देखा, तुम्हें भी पता है गहरा ही है, फिर ये दूरी क्यों? हम कपल्स हैं, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे, पर नो संजू, टच मत करना। क्यों? क्या नाम था उसका? ईशान, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, उसे मना करती थी? मुंह फेर के मत जाओ टैमी। ठीक है, तुम चाहती हो मैं साफ साफ कहूं, ठीक है, बोलता हूं। सुनो, ईशान मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि 3 महीने में तुम दोनों के बीच, मुझे इतना गुस्सा आया ना, खींच के मुक्का मारा। ये रोक टोक मुझ पर क्यों लगा रही हो? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सच में ईशान? हाँ ईशान। बकवास किया उसने, एक नंबर का झूठा है वो। ओके चलो, तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई रूल है क्या कि अगर मैंने उसके साथ 3 महीने बात किया तो तुम्हारे साथ भी वही करूं? नहीं नहीं, एक्चुअली तुम उससे काफी अच्छे हो, प्यार भरी बातें करते हो, तुम्हारे साथ 2 महीने में सो जाना चाहिए। 2 महीने क्यों, 1 महीने में सो जाना चाहिए। टैमी, तुम इस बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मुझे लगा था तुम मेरे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, पर तुम इस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखा देखा, बात का बतंगड़ बना दिया, तुम यही करती हो। मैं तो दिल की बात कर रहा था और तुम, हो क्या गया तुम्हें? ये क्या है? कहीं तुमने अपने दोस्तों से ये तो नहीं कह दिया कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? नहीं तो? तुमने कहा है, सच सच बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बात कहूँ, तुम्हें जो कहना है कहो, जिससे कहना है कहो, I don't care। एक बात और हो सकती है, मैं भी उनसे ये कह दूँ कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ओके। और साथ में ये भी कहूँगी, तुम 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह हो। हाँ? इसलिए हनी, याद रहे कि हम सब कुछ कर चुके हैं और तुम कमजोर कड़ी हो और ये बात आग की तरह फैलेगी। टैमी, टैमी प्लीज, ऐसा करोगे तो मेरा मजाक बन जाएगा, वैसे भी ये बात झूठ है। तो तुमने मेरे बारे में जो भी कहा वो भी तो झूठ है ना? तो तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई? और मैंने तुम्हारे बारे में गलत कब कहा? उल्टा मैं तो तारीफ करता हूँ कि मेरी टैमी दुनिया से अलग है। वाओ, मुझे तुमसे सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं बेड पर कितनी अच्छी हूँ। देखो टैमी, आई एम रियली सॉरी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ईशान झूठ बोल रहा है, पर जब मैंने वो सब सुना तो मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाया। तुमसे झगड़ा करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे हैं ही नहीं यार। मुझे ऐसा नहीं लगता, हम का मतलब एक दूसरे से झूठ बोलना नहीं होता। बोलो। ओके, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पहले तुम अपने शब्द वापस लो। क्या मतलब? यही कि जो तुमने मेरे बारे में बताया वो सब कुछ झूठ था। वो लोग मुझे फुद्दू समझेंगे, मुझे बाजारू समझेंगे, चलेगा? ऐसा कोई क्यों सोचेगा टैमी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये हमारा निजी मामला है, दुनिया के भाड़ में यार। हम कभी फिजिकल नहीं हुए, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें खुद अपने कहे हुए झूठ पर यकीन होने लगा है? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। थी मतलब अब नहीं।
शायद। मुझे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना था, बल्कि मुझे कभी ब्रेकअप नहीं करना था। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। क्या कर सकते हैं? गुड बाय। कुछ भी नहीं।